हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स का पैटर्न क्या है, उसको किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, रूरल सेटलमेंट के फंक्शनल क्लासिफिकेशंस क्या है, रूरल सेटलमेंट के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी, लीनियर थी, रेक्टेंगुलर थी, डबल पैटर्न शेप थी, वाई शेप थी, टी शेप थी, क्रॉस शेप, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ये आप देखिए, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो डेवलप नेशंस हैं, डेवलप कंट्री हैं, इन डेवलप कंट्री में रूरल सेटलमेंट्स के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो डेवलपिंग कंट्री में बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही कम दिखाई देती हैं। इसलिए कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि रूरल सेटलमेंट्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करती है, क्या वहाँ पर कमी होती है। तो इनमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है वाटर सप्लाई। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या आती है आपकी, वाटर सप्लाई। रूरल सेटलमेंट्स में प्योर वाटर की सप्लाई जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। प्योर वाटर की सप्लाई ना होने के कारण से वहाँ पर वाटर से जो बोन डिजीज होती हैं, जल से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कोलोरा, जॉन्डिस वगैरह जो हैं, इस टाइप की बीमारियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रामीण लोगों को प्रॉपरली वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए लोग जो हैं वो दूर दूर से अपने ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए जो है वो वॉकिंग करते हैं, पैदल जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाते हैं। और राजस्थान के डेजर्ट एरिया में तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूर दूर तक लोग जो हैं, महिलाएँ जो हैं, वो एक लंबी दूरी तय करके अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल करती है। बुक में जैसे आपका दिया गया है, ये आपके इसमें देखिए, वाटर सप्लाई टू रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री इज नॉट एडिक्वेट। पीपल इन विलेज, पर्टिकुलरली इन द माउंटेन एंड द एरिड एरिया, हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच ड्रिंकिंग वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो वॉक करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, जब जा कर के उनके पास जो है वो अपने घर की ज़रूरत का वाटर वो कलेक्ट कर पाते हैं। वाटर बोर्न डिजीज सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू बी ए कॉमन प्रॉब्लम। इस प्रकार के जो विलेज होते हैं जहाँ पर प्योर वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है, वहाँ पर वाटर से होने वाली जो बीमारियां जैसे कि कोलोरा और जॉन्डिस जो है वो बीमारी कॉमन होती है। द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया फेस कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। साउथ एशिया के जो कंट्री हैं इनके अंदर ड्रॉट की कंडीशंस और फ्लड की कंडीशंस हैं वो सामान्य बात है। यहाँ पर कभी ड्रॉट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है तो कभी फ्लड की कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाती है, मीन्स प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। ड्रॉट के अंदर वाटर की सैक्रेसिटी हो जाती है और फ्लड के अंदर प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। फ्लड के कारण से वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। क्रॉप कल्टिवेशन सिक्वेंस इन द अब्सेंस ऑफ द इरीगेशन एज सफर। सिंचाई सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण से कृषि कार्य पर भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। क्रॉप कल्टिवेशन सीक्वेंस इन द अब्सेंस ऑफ द इरीगेशन आल्सो सफर, क्योंकि ड्रॉट की कंडीशंस में या लेस वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण से प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो
रोड सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम है उसमें पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी में जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ये रूरल एरिया में प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाते। रूरल एरिया के अंदर जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। डर्टी वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे स्ट्रीट वगैरह जो है वो डर्टी रहती है, उनकी गंदी रहती हैं। रूरल एरिया के अंदर जो स्ट्रीट्स होते हैं या पब्लिक प्लेस होते हैं उनके अंदर जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी लेस अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पर वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। साथ ही वहाँ पर जो अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी मीन्स ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अब्सेंट इन द रूरल सेटलमेंट। टॉयलेट फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से जो रूरल एरिया की सिटीजन्स हैं वो ओपन एरिया के अंदर टॉयलेट्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार से रूरल एरिया से कलेक्टेड जो गार्बेज है उसको डिस्पोजल की फैसिलिटी नहीं हो पाती है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो एनवायरनमेंट में मिक्स होकर के एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता रहता है। लैक ऑफ दिस फैसिलिटी काजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स के कारण से टॉयलेट और गार्बेज के डिस्पोजल की प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण से, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण से वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो पुअर होती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी और ऑल्सो नॉट, और ना ही वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल होती हैं और ना ही एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हो पाती हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी आर नॉट एडिक्वेट इन द विलेज। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल न होने के कारण से लोग जो हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर मूव करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैसिलिटी न होने के कारण से नगरों की ओर जो लोग हैं वो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं। बुक में देखिए सेकंड पॉइंट, द जनरल अब्सेंस ऑफ द टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी काजेज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द डिजाइन ऑफ द यूज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउस वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनोदर। बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं, वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अकॉर्डिंग सब जगह पर अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है द हाउस मेड अप ऑफ द मड, मड जो कीचड़ वगैरह होते हैं, मड ब्रिक्स होती हैं, मिट्टी के जो ईंटें होती हैं उनसे घर बनाते हैं। वुड एंड टच जो लकड़ी के छप्पर वगैरह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। रिमेन ससपिटेबल्स टू डैमेज ड्यूरिंग द हैवी रेन एंड फ्लड्स, जो अधिक वर्षा होती है या फ्लड की कंडीशंस होती हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर, और उनको हर साल जो है वो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट हाउस डिजाइंस आर टिपिकली डेफिशेंट इन द प्रॉपर वेंटिलेशंस, बहुत सारे घर जो होते हैं उनमें प्रॉपर वेंटिलेशंस की प्रॉब्लम रहती है, अच्छे से प्रॉपर एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं रहता है। बिसाइड द डिजाइंस ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द एनिमल शेड अलोंग विद इट फोडर स्टोर विद इन, बहुत सारे जो घर होते हैं उनमें मनुष्य के साथ पशु भी रहते हैं और इन पशुओं के चारे की व्यवस्था जो है वो
भी उन घरों के अंदर ही की जाती है। अर्थात मनुष्य के साथ जहाँ रूरल एरिया के अंदर पशु रखे जाते हैं, वह पशुओं के लिए जो शेड वगैरह होती है, चारा रखने वगैरह की व्यवस्था होती है, वो भी एक साथ ही की जाती है। अर्थात पशु और मनुष्य एक ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन द परपजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। मीन्स इस प्रकार के जो हाउस बनाए जाते हैं जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों एक साथ रहें, तो उनका मेन पर्पज होता है कि एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स से उनकी सिक्योरिटी कर सकें और एनिमल्स के लिए प्रॉपर जो है वो फूड स्टोरेज जो है वो अवेलेबल हो सके। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी पुअर होती है। रूरल एरिया में अधिकतर जो रोड्स होते हैं वो अनमेटल होते हैं, कच्चे होते हैं, जिसके कारण से रेनी सीजन्स में ये ट्रांसपोर्ट्स के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। इन अनमेटल रोड्स पर जो इमरजेंसी सर्विस होती हैं वो अवेलेबल्स नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण से विलेजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण से यहाँ की जो प्रोडक्शंस गुड्स होती हैं उनको मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल्स नहीं हो पाती हैं, पॉपुलेशंस को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, और ये अपने प्रोडक्शंस और अपने रिक्वायरमेंट्स के गुड्स हैं उनको प्रॉपरली रिसीव और सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ रूरल पॉपुलेशंस की मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं होती। रूरल एरिया के अंदर प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी हैं, मोबाइल फ़ोन फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाते। अर्बन एरिया के अंदर 4G 5G जो हैं वो डेवलप नेशंस के अंदर 5G की प्रॉब्लम फैसिलिटीज़ हैं, जबकि रूरल एरिया के अंदर 2G भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। टेलीफोन्स और अदर्स जो फैसिलिटी हैं कम्युनिकेशंस की, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी हैं, वो भी अवेलेबल्स नहीं हो पाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात बनती है कि एवरी सिटीजन्स को उनके बेटर कैरियर्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का ईजिली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न टाइम के अंदर, और ये फैसिलिटी भी रूरल एरिया के अंदर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसलिए संचार जो सुविधाएं हैं ये अच्छे से लोगों को उपलब्ध होती हैं तो उनके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, अच्छे से न्यू करियर पॉइंट्स जो होते हैं वो लोगों को उपलब्ध हो पाते हैं। बुक में देखिए, अनमेटल रोड एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्रिएट ए यूनिक प्रॉब्लम। ये एक मुख्य समस्याओं में से आती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट रिमेन कट ऑफ एंड पॉज सीरियस डिफिकल्ट इन द प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सर्विस। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के अंदर आती है हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी भी उनको प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाती। ये ऊपर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल न होने के कारण से यहाँ के जो लोग हैं वो नगरों में अपनी स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए यात्रा करते हैं। हेल्थ के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो आती है वो आती है एजुकेशन। रूरल एरिया में एजुकेशन रूरल एरिया में हायर एजुकेशन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है।
रूरल एरिया में केवल प्राइमरी एजुकेशन तक ही हमारे स्कूल्स अवेलेबल्स होते हैं। हायर एजुकेशन के लिए हमें अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट करना पड़ता है। रूरल एरिया के नियरबाई एरिया में विलेज के अंदर जो हैं वो वहाँ पर आपको गाँव के अंदर जो हैं आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसके कारण से लोग जो हैं वो नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये मेन मेन जो प्रॉब्लम्स थी आपकी रूरल सेटलमेंट की, वाटर सप्लाई, पब्लिक फैसिलिटीज़, पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशंस, ये फैसिलिटी जो हैं वहाँ के ग्रामीण लोगों को, रूरल सेटलमेंट्स के लोगों को प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाती है। इनके अलावा जो है वो एंटरटेनमेंट जो सोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल्स नहीं हो पाते हैं, और अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रॉपर रूरल एरिया के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ, पीछे आप लोगों को बताया था अर्बन सेटलमेंट्स में जो पॉपुलेशन है वो मेन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में एंगेज रहती है। अर्बन सेटलमेंट्स में पॉपुलेशन का साइज़ इंडिया में 5,000 अबो रहता है। 75% पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से अपनी लाइवलीहुड्स अर्न करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी 400% अबो रहता है। तो ये मेन अर्बन सेटलमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स आती है। इसके बाद जो है वो वर्ल्ड के अंदर अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं उनकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहला हमारा जो सिटी है वो कौन सा बना, और अर्बन सेटलमेंट्स में पॉपुलेशंस का साइज़ डिफरेंट कंट्री में कौन कौन सा है ये हम देखते हैं। बुक में आप देखिए अर्बन सेटलमेंट, रैपिडली अर्बन ग्रोथ इन द रिसेंट फिनोमिना, तेज़ी से जो हमारे नगरीय विकास हो रहा है ये एक नई परिघटना है, नया विकास है। अनटिल रिसेंट टाइम फ्यू सेटलमेंट रिच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन ए फ्यू थाउजेंड्स इनहेबिटेंट्स। कुछ समय पूर्व बहुत ही कम बस्तियों में कुछ हज़ार से अधिक निवासियों वाली जो बस्तियां हैं उनका निर्माण हुआ था, अर्थात कुछ ही शहर ऐसे थे जिनमें हजारों की संख्या में लोग निवास करते थे। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रिच द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वाज द सिटी ऑफ लंदन बाय अराउंड एडी 1810 के अंदर वर्ल्ड की सबसे पहली जो मिलियन सिटी बनी जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन तक पहुंची वो था आपका लंदन, जिसमें केवल एक लंदन था पूरे विश्व के अंदर जिसकी जनसंख्या है वो 10 लाख तक पहुंची थी। बाय 1982 अप्रोक्सीमेटली 172 सिटी इन द वर्ल्ड हैड क्रॉस द 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क। 1982 तक विश्व के अंदर लगभग 175 जो सिटी हैं वो 1 मिलियन पॉपुलेशंस को क्रॉस कर चुकी थी। प्रेजेंटली 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस लिव इन अर्बन सेटलमेंट कंपेयर टू ओनली 3% इन द ईयर 1800। 1800 तक विश्व के अंदर केवल 3% जनसंख्या जो है वो वर्ल्ड की नगरों के अंदर रहती थी, नगरों में निवास करती थी। टेबल में देखिए, सन 1800 में वर्ल्ड की केवल 3% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में निवास करती थी। 1850 में ये बढ़कर के 6% हुई, 1900 में 14% हुई, 1950 में 30%, 1982 में 37%, 2001 में ये 48% और 2017 में ये
54% के पास हो गई। 2011 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशंस थी वो 52% पॉपुलेशन जो है वो निवास करती थी अर्बन एरिया के अंदर। मीन्स फास्टली जो है, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, स्किल्स टेक्नोलॉजी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लोग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, और अर्बन एरिया जो है उनमें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनको उनके डेवलपमेंट्स के लिए न्यू पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बना करके इन रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, और अर्बन न्यू अर्बन सेंटर जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशंस को बेटर एनवायरनमेंट और फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। इसके बाद आते हैं आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट जो हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग उनकी पॉपुलेशंस के साइज और अलग जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। द डेफिनेशंस ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर्स। अर्बन एरिया के अंदर जो उनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, वो अलग अलग हैं। सम ऑफ द कॉमन बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इन तीन के बेस के ऊपर हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ की जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉपुलेशन उसका अर्बन सेटलमेंट्स का उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आता है अर्बन पॉपुलेशंस की साइज। अर्बन एरिया के अंदर नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका आकार कितना है। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज बाई द मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरिया। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर सेटलमेंट टू बी डेजिनेटेड एज अर्बन इन 1500 इन कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर ये जो पॉपुलेशंस का साइज लिया गया है वो मिनिमम लिया गया है 1500, यानी 1500 तक लोग जहाँ पर रहते हैं उस क्षेत्र को हम अर्बन एरिया का नाम से जानते हैं, अर्बन सेटलमेंट का नाम से जानते हैं कोलंबिया में। 2000 इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल। पुर्तगाल के अंदर ये क्राइटेरिया जो लिया गया है वो 2000, और अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर ये 2000 क्राइटेरिया लिया गया है, अर्थात जहाँ पर जनसंख्या 2000 है उसको हम अर्बन सेंटर के रूप में जानते हैं। इसी टाइप से USA एंड थाईलैंड 2500, 2500 लोग जो हैं वो USA और थाईलैंड के अंदर है। 5000 इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये क्राइटेरिया लिया गया है वो 5000 का लिया गया है। एंड 30,000 इन जापान, और जापान के अंदर जो एक क्राइटेरिया लिया गया है ये लिया गया है 30,000, अर्थात जापान के अंदर जहाँ 30,000 से अधिक लोग रहते हैं या 30,000 लोग रहते हैं उसको हम अर्बन सेटलमेंट का नाम देते हैं, 30,000 से कम रहते हैं तो उसे हम रूरल सेटलमेंट का नाम देते हैं। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, इसको आप वन मार्क्स में ये पूछ सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस कंट्री में अर्बन सेटलमेंट के लिए पॉपुलेशंस का जो क्राइटेरिया है वो क्या लिया गया। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आपका आता है बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400% पर स्क्वेयर किलोमीटर, और वहाँ पर पॉपुलेशंस का जो डेंसिटी है वो 400 पर स्क्वेयर किलोमीटर होना चाहिए, एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 75% जो पॉपुलेशंस है अर्बन एरिया की वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो, और 400% वहाँ पॉपुलेशंस की डेंसिटी हो, ये तीन इंडिया के अंदर 5000, 400 and 75% एंड अबव परसेंट पॉपुलेशंस नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड हों, ये क्राइटेरिया जो है वो इंडिया के अंदर अर्बन सेंटर के लिए लिया गया। कंट्री विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस मे चूज ए लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर्स कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री जो होते हैं उनके अंदर अधिक और कम होता रहता है। इन द डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड ऑल प्लेस विद पॉपुलेशन साइज ऑफ 250%
आर्कार्ड अर्बन, जहाँ पर पॉपुलेशंस का साइज कम है, वहाँ पर 250 जो लोग रहते हैं उसी को हम अर्बन सेंटर का नाम दे देते हैं। तो ये कौन से कंट्री हैं? डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, द मिनिमम पॉपुलेशंस 300 इन आइसलैंड, वेयर द कनाडा एंड द वेंजुला इट इज 1000 पर्सन। कनाडा और वेंजुला में ये 1000 हो जाता है, जबकि जो आइसलैंड है उसके अंदर आपका कितना हो जाता है? 300 पर्सन। यानी कि कनाडा और वेंजुला के अंदर 1000 से अधिक लोग जहाँ पर रहते हैं उसको हम अर्बन सेंटर का नाम, इससे कम रहते हैं उसको रूरल। आइसलैंड के अंदर 300 लोग जहाँ पर रहते हैं उसको अर्बन सेंटर का नाम दे देते हैं, उससे कम जो होते हैं उसको हम रूरल सेंटर का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो किस एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। तो इसमें आता है, इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज डेजिनेटिंग ए सेटलमेंट एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन एज ए क्राइटेरियन। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत के अंदर मुख्य आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के मापदंड के रूप में मापा जाता है कि उनको उसमें किस प्रकार के नगर के लोग किस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं। सिमिलरली इन इटली ए सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशंस इन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इटली के अंदर जहाँ पर लोग 50% से अधिक लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं उसको हम अर्बन सेटलमेंट का नाम देते हैं। इसी टाइप से इंडिया के अंदर, इंडिया हैज सेट द क्राइटेरियन एट 75%, और इंडिया में यह मापदंड जो है वो 75% रखा गया है कि जहाँ पर 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं उसे हम अर्बन सेटलमेंट का नाम देते हैं। लेकिन ये भी पहले हम बता चुके हैं कि जो मॉडर्न डेवलप्ड कंट्री हैं, मॉडर्न सिटी जो हैं, वहाँ के अंदर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर होती है, वहाँ के लोग जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, लेकिन वो अपना रेजिडेंशियल प्लेस जो है वो रूरल एरिया के अंदर सेटअप करते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया जो है वो कंजस्टेड हो गए हैं, उनका एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया है, उनके अंदर लैंड के प्राइस हाई हो गए हैं, जिसके कारण से वो डे टाइम के अंदर ऑफिस के लिए सिटी के अंदर आते हैं और इवनिंग टाइम में वो वापस अपने विलेज के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है वो धीरे धीरे है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं किसी भी अर्बन सेंटर की? अर्बन सेंटर के अंदर जो प्रशासनिक क्रियाकलाप होते हैं उस आधार पर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग ए सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैज़ ए म्यूनसिपलिटी कंटोनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल। भारत के अंदर जहाँ पर नगर पालिका हो, कंटोनमेंट बोर्ड, छावनी बोर्ड हो और अधिसूचित जो है बोर्ड ऑफ नोटिफाइड एरिया काउंसिल, जो अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो, उस क्षेत्र को हम अर्बन सेंटर के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये होनी चाहिए, उसी को हम अर्बन सेंटर का नाम देते हैं। सिमिलरली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड बोलिविया, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील और बोलिविया में जनसंख्या का आकार ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वाले रीजन्स को हम अर्बन सेंटर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर पॉपुलेशंस को कोई ध्यान में नहीं दिया जाता। पॉपुलेशन चाहे कितनी भी अधिक हो, कितनी भी कम हो, अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो उसको अर्बन सेंटर के रूप में कंसिडर करते हैं। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा पॉपुलेशंस का साइज। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये अर्बन सेंटर का क्लासिफाइड करते हैं। उनकी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही उस क्षेत्र को नगर या ग्राम के नाम से जानते हैं।